नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में पैसा गुम होने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में ये देखते हैं कि आपका पैसा गुम हो गया है, ठीक है, आपको मिल नहीं पा रहा है, तो दोस्तों ये सपना आपके लिए एक अशुभ संकेत करता है। दोस्तों, इस सपने के मतलब के बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही स्वप्न ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को, दुखों को दूर कर सकें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर सपने में पैसा गुम हो जाने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपने अपने सपने में देखा है कि आपका पैसा गुम हो गया है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों ऐसे में यह सपना आपके लिए बेहद ही अशुभ संकेत करता है। यह सपना आपको इस बात का संकेत करता है कि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानियां आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए और अगर आपके पास इस समय जो भी धन है आपको उसे संभाल कर रखना चाहिए, आपको बेवजह उसे खर्चा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।